हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए वेरिएंट पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये हमारे सामने XT प्लस कैमो में अभी नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, सो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए, लोगों को इसके बारे में भी बताया जाए। जी हाँ, कम बजट में पैरानोमिक सनरूफ अगर आप लेने की सोच रहे हैं हैरियर में, तो अब अवेलेबल है। पहले हम हैरियर के टॉप वेरिएंट में ही पैरानोमिक सनरूफ ले पाते थे, लेकिन अब ये मिडिल वेरिएंट में भी हमें पैरानोमिक सनरूफ मिल जाता है, जिसका नाम XT प्लस है और जिसका ऑन रोड प्राइस हमें ओनली 20 लाख पड़ता है। इसमें भी लगभग सारे फीचर्स आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ फ्रंट में भी हमें DRL और ड्यूल चैम्बर हेडलैम्प दिए हुए हैं, प्रोजेक्टर है, फोग लैम्प है। 17 इंचज के हमें इसमें टायर साइज मिल जाते हैं विद अलॉय व्हील। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कैमो यहाँ पे लिखा हुआ है। और डोर्स पे हमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, जो साइड मिरर है उसमें साइड इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं, वो इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल दोनों हैं। तो साइड से आप इस कार की लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। और चलो अब मैं कुछ आपको अंदर खोल के दिखाता हूँ गाड़ी के। सो यहाँ पे हमें इसमें चारों पावर विंडो और मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग का बटन मिल जाता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिक फोल्डेबल साइड मिरर्स हो गए हैं। और अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेयरिंग है वो एडजस्टेबल है, टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ। और हमें इसमें पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, मीटर आप देख ही रहे हैं इसमें, स्पीडोमीटर, बीच में हमें एक डिजिटल मीटर भी मिल जाता है। तो इसमें स्टेयरिंग्स पे देखिए आप, यहाँ पे वॉइस कमांड के कंट्रोल्स भी हैं और क्रूज़ कंट्रोल भी हमें इसमें मिल जाता है। सो मैं एक बार क्यों ना आप लोगों को इंजन ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पुश बटन है, मैंने इसको ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम भी गाड़ी का ऑन हो चुका है। ये कंट्रोल जो भी मैंने बताए, क्रूज़ कंट्रोल हो गए हैं। 9 इंचज़ का हारमन म्यूज़िक सिस्टम इसमें मिल जाता है आपको। और AC वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं अंदर, ग्रे कलर में फिनिशिंग मिलती है आपको इंटीरियर की। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस रिवर्स आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक मिल जाता है और ये हैंड रेस्ट है हमारा, जिसमें कूलिंग के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, चार्जिंग के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। और आप पीछे हमें इसमें बीच में रियर एसी वेंट नहीं मिलते हैं, साइड डोर्स में रियर एसी वेंट मिलते हैं इसमें। और काफ़ी स्पेशियस है, 3 बंदे 4 बंदे जितने भी हैं आराम से बैठ सकते हैं। एक कूल ग्लव बॉक्स इसमें मिल जाता है, कूलिंग के लिए आप कुछ भी पानी बियर वगैरह रख सकते हैं इसमें। सो म्यूज़िक सिस्टम इसमें मैं आपको चेक नहीं करा पाऊँगा इससे म्यूज़िक सिस्टम, बाकी काफ़ी अच्छा हारमन म्यूज़िक सिस्टम है। ये हारमन म्यूज़िक सिस्टम है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है, टाटा की हर गाड़ी में यही म्यूज़िक सिस्टम आता है। साउंड क्वालिटी का कोई तोड़ नहीं है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। So I suggest you to purchase this car, guys. यहाँ पे हमें इसमें बूट स्पेस में 425 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अगर हम सीट फूल तो हमें 110 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नीचे हमें इस पर स्पेयर व्हील मिलता है
और काफ़ी स्पेशियस है। आप देख सकते हैं अगर 5 बंदे भी कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो अपना काफ़ी हद तक बूट स्पेस इसमें मिल जाता है, तो काफ़ी चले जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लुक वाइज भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। सो गाइज़, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप लोगों की तरफ से कोई सुजेशन है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस अगर कोई फॉल्ट होगा तो मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज़।